वेलकम वेलकम टू अम्मी की फैमिली में आप किया उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे अलहमद हम भी सब ठीक है तो आज आपके साथ एक मजेदार वीडियो के साथ हम पेश हुए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह दूध को यूज़ करके दूध की तरह गोरा चिट्टा रंग कर सकते हो सो लेस कर स्टार्ट द वीडियो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए ओके okay जी दूध के साथ दूध जैसा रंग गोरा करना है का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी ओनली टू स्टेप है यू you... डोंट वरी गाइस कि आपको बहुत कोई लंबे चौड़े प्रोसेस करना पड़ेगा बिल्कुल ईजी से तमाम चीज़ें आपके किचन में घर में ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद हैं इनको इस्तेमाल में लाएं और गोरे चिट्टे हो जाए वन टेबल स्पून हमने लिया है कच्चा दूध देन इसमें हम शामिल करेंगे एक अदद वाइटमिन ई का कैप्सूल और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वन टी स्पून चावल का आटा तीन चीज़ें हैं जो कि स्टेप वन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अच्छा जो स्टेप वन है इसको करने के बाद स्किन uh, जो है वो डीप क्लेंजिंग हो जाएगी कच्चा दूध हमेशा से इस्तेमाल होता आ रहा है फॉर फ्रेशनेस फ़ॉर ग्लोइंग स्किन फॉर डीप क्लीनिंग फॉर योर फेस और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन बिल्कुल पॉलर जाए बिना ही चमक जाए धमक जाए आपने किसी शादी के फंक्शन में जाना हो ईद का फंक्शन अटेंड करना हो कोई भी जी हम हमारे घर में गेट टुगेदर्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए हमने चाहिए होता है तो इसमें uh, हम अब शामिल कर रहे हैं चावल का आटा जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है चूँकि वन टी स्पून तीन चीज़ें तीनों को मिक्स करें एक पेस्ट सा बन जाएगा देन इसको अप्लाई करेंगे फाइव मिनट इसकी एप्लीकेशन का टाइम है आगे लगा के दिखा के भी दिखाऊंगी दिखा के भी दिखाऊंगी ठीक है ना कहना चाह रही हूँ कि आगे लगा कर दिखाकर भी दिखाऊँ वर्ड पास मेरे से नहीं बोला जा रहा समझ आना ठीक है ना कि आगे लगा कर और फिर लगा के उतार के भी दिखाऊंगी रिजल्ट ठीक है जी ये तमाम चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं ताकि जी आपको डेली हमारी वीडियोज़ की अपडेट मिल जाएँ ओके गाइस लेट मी शो यू के हाउ दिस इज़ प्रिपेयर ओके जी ये ना ज़्यादा फ्लोई है ना ज़्यादा जी ये हार्ड है बस जी एक रनी साइज़ का आपने बना लेना है पेस्ट एंड इसकी एप्लीकेशन फाइव फुट मिनट के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे और देन इसको हम रिमूव करेंगे नॉर्मल वाटर जो टेम्परेचर होता टैप वाटर होता है उसके साथ इसको लगाओगे अच्छा जी ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड बट के मैं कहती हूँ हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड देगा आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट है आप जब इसके दोनों स्टेप को फॉलो करोगे तो इन आपकी स्किन ब्राइट होगी लाइट होगी क्योंकि इसमें हमने विटामिन ई e का कैप्सूल शामिल किया है और स्किन के ऊपर जो झूरियाँ पड़ जाती हैं रिंकल्स पड़ जाते हैं स्पॉट पड़ जाते हैं फाइन लाइन्स पड़ जाती हैं लाफ लाइन्स पड़ जाती हैं तो बस जी आपने इन तमाम चीज़ों को दूर करने के साथ साथ जी फेयरनेस भी मिलेगी बस जी हमने वॉश बेसन पर पे आगे दिन मैं इसको वॉश कर रही हूँ तकरीबन मैं इसको पाँच मिनट लगे रहने दिया था पहले अच्छी तरह ताकि स्किन डीप क्लेंस हो जाए डीप क्लीन हो जाए देखो सिर्फ पाँच मिनट भी नहीं हुए एंड जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा बहुत ही प्यारा आएगा आपको मैं दिखा रही हूँ कि सिर्फ पाँच मिनट के लिए पहली जो एप्लीकेशन हमने लगाई थी अब हम चलते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ ओके okay, जी सेकेंड uh, स्टेप तो फर्स्ट स्टेप से भी ज़्यादा इजी है और इसके तमाम इंग्रेडिएंट भी आपके किचन में मौजूद है देन अगेन हमें चाहिए होगा कच्चा दूध वन टेबल स्पून अच्छा जी अगर आप फेस के साथ साथ हाथों पर भी अप्लाई करना चाहते हो तो क्वांटिटी को डबल कर लो ठीक है मैं अभी uh, आपको थोड़ा सा ही बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसको हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ उसको फेस पर नेक पर हाथों पर पैरों पर जहाँ पर भी डार्कनेस हो रही है रिंकल्स आ रहे हैं और फेयरनेस नहीं है तो वहाँ पर आप ईजिली इसको बना लगा सकते हैं देन इसमें हम शामिल करेंगे बेसन बेसन हर घर में मौजूद होता है सदियों से यूज होता आ रहा है फॉर स्पॉटलेस ब्राइट स्किन अगर आप चाहते हो कि स्किन ब्राइट भी हो स्पॉटलेस भी हो पिगमेंटेशन भी कम हो जाए तो ये वाली टिप्स को आप फॉलो करोगे तो इनशाला एक्नस्कार हो जाते हैं कुछ लोगों को तो उसको भी लाइट करेगा स्किन को ब्राइट करेगा क्योंकि सन टैन की वजह से चूल्हे के आगे खड़े होने की वजह से घर के काम की वजह से क्या होता है कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जी आ जाती है डार्कनेस धूल मिट्टी तो डर्ट की वजह से भी हमारी स्किन क्या हो जाती है डल हो जाती है ड्राई हो जाती है डैमेज हो जाती है प्रिंकल्स से भर जाती है तो ये आपने शामिल कर दैन इसमें हम ऐड करेंगे वन फोर्थ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे यानी दो छुट्टियाँ हम इसमें शामिल कर लेंगे कस्तूरी हल्दी ठीक है जी अगर वो अवेलेबल नहीं है तो डोंट यू वरी घर वाली जो हल्दी होती है ना वही ले लेना बट मेक श्योर कर लेना क्योंकि मसाला ना उसमें मिक्स हो ठीक है जी साफ़ सुथरी हल्दी आपने ले लेनी है देन इसको आप मिक्स करोगे दूसरा स्टेप है टोटली टू स्टेप है और अमेज़िंग रिज़ल्ट है अमेजिंग ट्रस्ट में जी वीडियो क्लास में जब रिज़ल्ट दिखाऊंगे ना खुद हैरान रह है जाओगे अच्छा जी इस एप्लीकेशन को लगाना स्टार्ट करते हो तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की दोनों में आपको बनाकर दिखा दी हैं दोनों स्टेप किस तरह आपने फॉलो करने हैं आप किसी भी फंक्शन पे जाने से पहले घर में गेट टुगेदर है दावत है कहीं जाना है या मेहमानों ने आना है तो उससे पहले जी आप ये पंद्रह बीस मिनट की एप्लीकेशन कर लें तो आप देखोगे आप बिल्कुल हैरान रह है जाओगे इतना अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा दोनों मैंने आपको बनाकर खा रही है एक तो एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया अब इसकी बारी है तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो के नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं ओके जी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल अगर आप चाहते हो कि डेली आपको ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए तो बस जी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए ओके okay, आप देखो जो स्टेप वन मैंने किया था पहले ही हाथ बहुत अच्छी तरह साफ हुआ हुआ है दैन इसके ऊपर दूसरा जब स्टेप करोगे आप अच्छा जी इसकी एक लेयर से लगा लेनी है इसको टाइमिंग देनी है पंद्रह मिनट की पंद्रह मिनट इसको टाइम दो ताकि हल्का सा थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए उसके बाद इसको भी वॉश बेसिन पर जाएंगे धोएंगे आपको धोकर इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे अमेजिंग एक्सेलेंट रिजल्ट

ओके गाइस हियर वी आर और अब जी हम यहाँ पर वॉश करेंगे पहले थोड़ा सा इस तरह हाथों को रब कर लो क्योंकि स्क्रब करने से रब करने से क्या होता है कि अब जो हमारा खून होता है वो भी अच्छी तरह सर्कुलेट करता है फिर उसके बाद वैसे भी स्किन चमक जाती है मसाज करने से भी ओके अब हम इसको वॉश कर रहे हैं साथ साथ मैं आपकी आंखों के सामने आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा टू टाइम इन अ वीक आप इसको ईजीली कर सकते हो अमेज़िंग इसका रिज़ल्ट है कोई भी आपके ख़ानदान में फंक्शंस वगैरह आते हैं शादी वगैरह की आपकी किसी भी कोई पार्टी वगैरह में जाना हो तो उससे पहले जी आप थोड़ी देर के लिए इसको लगा लें हफ्ते में दो दफ़ा आप इसको ईजीली लगा सकते हो बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आफ्टर दिस एप्लीकेशन इसको वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह थोड़ा सा हाथों पर अप्लाई कर लें ताकि स्किन ड्राई ना हो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ओके okay गाइस इसको हम अनबॉक्स कर लेंगे अच्छा क्या होता है कभी कभार हमें फटाफट फट फट किस फंक्शन वगैरह में जाना होता है पॉलर जाने का टाइम नहीं होता या घर में कोई गेट टुगेदर वगैरह होती है तो आपको तो पता है कि हमारी डेली लाइफ काफ़ी बिज़ी रहती है किचन के काम होते हैं साथ ही साथ लॉन्ड्री वगैरह तो, okay, तो, तो क्या होता है सर्फ वगैरह में साबुन वगैरह में हाथ वगैरह डलते रहते हैं तो क्या होता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है डल ड्राई और डैमेज तो इसको जी हम फ़ौरन से निखारेंगे इसके लिए वन टी हमने ये ले लिया है जी फेयर एंड लवली ठीक है जी इजिली बाज़ार से मिल जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया शे में मिल जाती है वो ले लो तो ज्यादा बेटर है ठीक है जी उसके बाद आपने इसमें शामिल क्या करना है जिससे आप फ़ौरन से गोरे चिट्टे हो जाओगे और आपको फ़ोन से पहले रिजल्ट भी मिलगा स्किन के अंदर जितनी भी पोलूशन है वो भी दूर हो जाएगी डर्ट भी क्लीन हो जाएगी स्किन की क्योंकि आपको तो पता है कि घर के काम करने की वजह से जब वो लोग जो बाहर घर से ज्यादा काम करते ही हैं तो सन की वजह से क्या होता है सन लाइट की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है तो उसको लाइट करने के लिए उसको ब्राइट करने के लिए हम इसमें डालेंगे लीमू के चंद कतरे ठीक है थोड़ा सा हम इसमें लीमू ले, ले लेंगे इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो चंद कतरे हम इसमें शामिल कर देंगे लीमू के लीमू जो है जी नेचुरल ब्लीच भी इसको कहा जाता है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है ये स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है स्किन के ऊपर जो स्पॉट पड़ जाते हैं उसको दूर करता है स्किन को ब्राइट करता है स्किन टोन को लाइट करता है और साथ ही साथ जो दाग दब्बे होते हैं उसको भी मिटा देता है ठीक है जी इसमें चंद कतरे आप इसमें ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा दानेदार हो जाएगा ठीक है जी बस इसके बाद आपने इसमें एक चुटकी शामिल कर देनी है हल्दी की हल्दी भी बरसों से इस्तेमाल होती है हरे रंग को फ़ौरन गोरा करने के लिए स्किन के ऊपर अगर कोई निशानात वगैरह उसको हील करने के लिए उसको गायब करने के लिए अक्सर क्या होता है एक्नीस्कार वगैरह पिम्पल्स की वजह से हमारी स्किन पर निशान वगैरह पड़ जाते हैं उसको दूर करेगा और साथ ही साथ स्किन को निखारेगा रूप को निखारेगा आपके ठीक है जी अगर आपको लगे काफ़ी ज़्यादा दानेदार हो गए तो आप इसमें वन टी मिल्क भी डाल सकती हैं ठीक है जिससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर हो जाएगा आगे चल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी वन टीस्पून मिल्क मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी ठीक है जी और उसके बाद जैसे इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ देगा तो एक और स्टेप है बस आपने एक और स्टेप इसका फॉलो करना तो टोटल टू स्टेप है उसके बाद आप देखोगे आपको इंस्टेंट पार्लर वाली ग्लो घर में मिलेगी चल जी सेकंड स्टेप कर लेते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप हमारा है वो बहुत ही इजी है उसके लिए आपको चाहिए होगा कच्चा दूध बकरी का दूध हो जाए तो वेल एंड गुड है और कच्चा दूध वो वाला दूध है जो दूध उबालने से पहले हम खुला दूध जो लेते हैं ठीक है जी वो वाला कच्चा दूध लिया मैंने इसमें डब्बे वाला दूध नहीं लिया है ठीक है जी इसमें भी हम चैन करते लीमू के डाल देंगे तो इसका क्या होगा कि ये दूध का थोड़ा सा पनीर सा बन जाएगा ये भी दूध में थोड़े दाने से आ जाएंगे ठीक है ये क्या करेगा अच्छा स्किन को ड्राई नहीं होने देगा स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा अक्सर क्या होता है कि हम अगर सिंपल इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो ये वाला इंग्रीडियंट मिला के आप यूज करोगे स्किन ड्राई भी नहीं होगी और आप क्या क्या होगा स्किन मॉइस्चराइज रहेगी अच्छा एक्सेस ऑयल जो है वो तो रिमूव होगा बट स्किन का जब ऑयल ज्यादा रिमूव हो जाए तो स्किन ड्राई हो जाती है तो स्किन ड्राई ना हो तो उसके लिए पहले आपने ये वाला स्टेप कर लेना इन स्किन को अच्छी तरह क्लेंस कर लेना थोड़े से लेमन के कतरे और दो टेबल स्पून दूध ले लेना उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं चलें जी ये दोनों मिक्स हो चुके हैं टोटली टू स्टेप हैं तो वीडियो के अगले से मैं मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ चैलेंज सबसे पहले ये जो दूध वाला हमने मिक्सचर बनाया था इसके साथ आपने इसको अच्छी तरह स्किन पे अप्लाई कर लेना है अच्छी तरह जी आप इसको तीन से चार मिनट के लिए स्किन पे लगा के अच्छी तरह रब करो ताकि स्किन के ऊपर जितनी डर्ट पोल्यूशन और जितनी भी स्किन के ऊपर जी आप देखते हो कि मैल से जम जाती है वो भी उतरना स्टार्ट हो जाए मसाज करने से स्किन को जी अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस आए तो स्किन को मसाज किया जाता है वैसे भी पॉलर वगैरह में हम जाते हैं तो स्किन हम मसाज करवाते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हमारी जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है और जो हमारे डेड सेल्स होते हैं रिमूव हो जाते हैं बड़े ईजिली इसके बाद जी आपने इसको तीन से चार मिनट मसाज करने के बाद ये वाली क्रीम इसके ऊपर अप्लाई कर लेनी है दस से पंद्रह मिनट क्रीम को लगा रहने दें उसके तो बाद इसको वॉश आउट कर लें आप देखोगे इसका अमेजिंग रिजल्ट आएगा मैं ये वाली क्रीम इस पर अप्लाई कर रही हूँ आप देखोगे आपको बहुत प्यारी सॉफ्ट सी और रिंकल फ्री और ऑयल फ्री और ख़ूबसूरत सी स्किन मिलेगी आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है बस इसको आपने अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है ठीक है जी और अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया लाइव रिजल्ट भी इसी वीडियो में ही दिखाऊंगी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो को देखना ज़रूर बताइएगा साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा फॉर डेली वीडियोज़ ओके जी अब मैं आपको दिखा दी देखे जिसको अच्छी तरह आपने मसाज कर लेना ताकि स्किन के अंदर अच्छी तरह ये जस्ब्ब हो जाए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप चाहो तो पहले पैच टेस्ट कर सकते हो ठीक है जिसको मैंने अच्छी तरह लगा उसके बाद दस से पंद्रह मिनट के बाद उसको वॉश कर लेते आप देखो कि स्किन कितनी ज़्यादा खूबसूरत और साफ हो चुकी है तो